सिर्फ नुमाइश के लिए, काले धंधे करते हैं अंदर से और लोगों में मुकर्रम बनने के लिए ताकि लोगों को हम पर शक न पड़े। अंदरू बदमाशियां करने तो तू महफिल मीलाद सजाने, समझ आई? अल्लाह का वास्ता है मीला, सुनो रसूलुल्लाह की नात। इन लोगों से क्यों सुनते हो? पेशावर लोगों से तुम्हारे मुंह जबान दुखती है, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? रात की तारीकी में जब नमाज पढ़ चुको अल्लाह से अर्ज करके कि मैं अब तेरी बारगाह रसूल में हाजिर हो रहा हूं, मुझे इजाजत दे कि मैं नाते रसूल पेश करूं, ते उत्थे तू पेश करना, तू तो को डकना। इना पेशवर पेशावर लोगों उते ऐ फिर जनाब उते निछावर करने पैसे, शर्म करो, हया करो। ए दीन दी तबलीग है। देवबंदी जब एतराज करते हैं जनाब ये इन्होंने बरेलियों ने क्या रचा रखा है तमाशा ढोंग, तो ये कहते हैं जनाब देवबंदी बकते हैं। देवबंदी ठीक कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह ने ये काम कराया था? आप गौर करें, आप हुजूर का मंशा देखें, आपका मकसद बेसद देखें कि हुजूर ने तालीम दी, आपने मुअल्लिमीन को पसंद किया, आपने सहाबा को दर्स देने की तलकीन की। अल्लाह का वास्ता है ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। अहमद रजा साहब ने अपने जौक में कलाम कहा था, आपको उजरत पर पढ़ने के लिए कहा था। अहमद रजा ने क्या कोई उजरत ली थी? साबित करो कि अहमद रजा ने कोई पैसे लिए हों।